हेलो फ्रेंड्स, आज से 2 साल पहले मैंने एक बांग्लादेशी शो देखा था जिसका नाम है तकदीर, और उसी का एक तेलुगु रीमेक बन के आया है डिज्नी हॉटस्टार पर जिसका नाम है दया। और दया अभी हिंदी में भी स्ट्रीम होना चालू हो गया है। ये दया वेब सीरीज आपको हॉटस्टार में देखनी चाहिए या नहीं, और ये सीरीज कैसी है, ये लेकर मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए। बांग्लादेशी शो था तकदीर, वो बहुत ज्यादा हिट गया था और उसे बहुत लोगों ने देखा था क्योंकि उसका स्टोरी, उसका स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा अच्छा था। और वैसे ही जो ये अभी ये तेलुगु रीमेक बनाया और उसका जो हिंदी वर्जन भी आया है दया का, दया वेब सीरीज का, वो भी लाजवाब है। टोटल 8 एपिसोड्स है और सारे एपिसोड 25 से 30 मिनट का आपको मिलेंगे, और वेब सीरीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बराबर देखने को मिलेगा, मस्त लगेगा। वेब सीरीज शुरू से लेकर अंत तक कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस मूवी का स्टोरी स्टार्ट होता है एक दया नाम का कैरेक्टर के साथ। वो एक फ्रिज वैन ड्राइवर होता है जो मछलियां ट्रांसफर करती है, और अचानक से उसके फ्रिज वैन में एक लाश मिल जाता है। अब वो लाश का मर्डर किसने किया, क्यों किया, कैसे, क्या हुआ, वो जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। मेनली इस वेब सीरीज का जो सबसे एक नंबर चीज है वो है इसका स्क्रीन प्ले। और मूवी का जो मेन कैरेक्टर है दया, वो कैरेक्टर को पकड़ के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जिस तरह स्टोरी को दिखाया गया है एक फैंटास्टिक स्क्रीन प्ले के साथ, वो मुझे मजा आ गया देखकर। आजकल मार्केट में बहुत सारे रीमेक्स आते रहते हैं, कुछ कुछ रीमेक्स बहुत ज्यादा ही घटिया रहता है, कुछ कुछ रीमेक्स अच्छा भी होता है, तो वैसे ही। लेकिन ये दया जो रीमेक बनाया गया है बांग्लादेशी शो का, ये रीमेक एकदम मैंने जस्टिफाइड है और एकदम बेस्ट लगा मुझे। रीमेक में मतलब ऐसा कुछ नहीं, मैंने बांग्लादेशी शो भी देखा है, वो शो पर रीमेक में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और बहुत अच्छा तरीका से स्टोरी को दिखाया गया है विद परफेक्ट स्क्रीन प्ले। तो रीमेक जो करके उन्होंने एकदम जस्टिस किया है वो बांग्लादेशी शो के साथ। इस वेब सीरीज में जो दया कैरेक्टर है वो अपना फैमिली से बहुत प्यार करता है, और उसकी बीवी भी प्रेग्नेंट रहती है, तो अपने बीवी के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसा ला रहा है ताकि उसका फैमिली एक खुशहाल जिंदगी जी सके। सीरीज आपको रियली बहुत एंगेजिंग लगेगी और बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। जो बांग्लादेशी शो था तकदीर, उसमें मुझे 2-3 कमियां भी देखने को मिली थी, लेकिन वो कमियां यहाँ पे पूरी कर दी गई है। जैसे कि जो तकदीर मूवी था वो ना थोड़ा मोड़ा खींचा गया था, जैसे लग रहा था कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ सीन पे बोरिंग भी लग रहा था, लेकिन वो चीज यहाँ पे ओवरकम किया गया है। आपको दया वेब सीरीज में ये चीज मतलब स्टोरी खींचा गया है या बेकार का बोर सीन हो रहा है, बोरिंग सीन लग रहा है, वैसा कुछ नहीं है। आपका स्टोरी स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और एकदम एंड तक जो मेन फोकस है स्टोरी का उसी पे बना हुआ रहेगा, एंड पे आके खत्म हो जाएगा। मूवी में आपको कुछ कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेगा जो आपको बहुत ज्यादा एंगेजिंग लगेंगे। और बाकी इस वेब सीरीज में मुझे कुछ कमियां लगी, जैसे कि साउथ इंडियन कल्चर को यहाँ पे सही से नहीं दिखाया गया है। जैसे कि बांग्लादेशी जो शो को इसको रीमेक किया गया है तो कुछ बांग्लादेशी टाइप का मुझे फीलिंग आ रहा था, लेकिन वेब सीरीज का जो स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है और जो एक्टर्स लोग का परफॉर्मेंस है वो फर्स्ट क्लास लग गया है मुझे। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वेब सीरीज जरूर से देखें। दया वेब सीरीज आपको हॉटस्टार में देखने को मिलेगी, जिसे मैं 5 में से 3.5 स्टार्स दूंगा। सजेस्ट करता हूँ ये वेब सीरीज आप जाइए 100% वॉच करिए हॉटस्टार पर। तो वेब सीरीज कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मैं इस चैनल पे ऐसे ही मूवीज, वेब सीरीज, ट्रेलर, टीजर का रिव्यू देते रहता हूँ, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक करिएगा। थैंक यू।